बीच पे हम आ चुके हैं, ठीक है ना। हमें जाना है पार्क, वो वहाँ वहाँ पर है, वो पार्क वहीं पर ही बैठ के हम पानी लेके जाएगा। तुम्हें भी यहाँ फेंकूंगा अंदर, उसके अंदर और समुंदर खींच के ले जाएगा तुम्हें। हैं, नहाओगे? नहीं नहीं नहाओगे? उधर जाएंगे, पार्क में जाएंगे। चलो तुम पार्क में चलो। नेवल अकेडमी, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान नेवल अकेडमी है। A few moments later. पार्क में हम एंटर हो चुके हैं, अभी देखते हैं कोई हट वगैरह जो है ना खाली हो तो वहाँ पर हम बैठ के बिरयानी को एंजॉय करें। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है भाई, जगह नहीं थे, कोई जगह देखते हैं खाली, वहाँ बैठ के हम खाना खा लें। देख सकते हैं आप यहाँ क्रिकेट चल रही है, बच्चा बाइक चला रहा है, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला माहौल है यहाँ पर। बड़ा कौन और सेफ है। फाइनली हमें जगह कहीं भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि रश इतना ज़्यादा है ना आज, बहुत ज़्यादा रश है, तो हमने बच्चों का प्ले एरिया है यहीं पर ही हमें जगह मिली है। तो अभी इंजॉय करते हैं अपनी बिरयानी को। बिरयानी चेक करें भाई, ठीक है बिरयानी नहीं नहीं बिरयानी अच्छी है, इस जगह पर मैंने पहले भी खा चुका हूँ, कितनी बड़ी मजे की मजेदार। खाना हमने खा लिया, अभी आप लोगों को एक और मैसेज देना है कि जो भी खाना खाएं, बिरयानी खाएं, जो भी कचरा वगैरह हो वो अपने साथ उठा लें। ये सीधा कहाँ ले जाना है? डस्टबिन में, ठीक है समझिए, डस्टबिन में जाके फेंकना है। यहाँ पर पार्क में कुछ लोगों ने फेंका हुआ, ये भी उठा लो, उठा लो, हाँ तो उनको जरूर, तुम ये तो उठा लो, वो भी उठा दें, ये जो है अपने साथ रख लिया करें। तो जहाँ पर डस्टबिन आपको नजर आए तो वहीं पर ही आप जो है ना डस्टबिन में डाल दिया करें। जितना साफ सुथरा है पार्क बना हुआ है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसको जो है ना ख़राब ना करें, कचरा ना फैलाएं, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको मिलेंगे बीच में, बीच पे जाएंगे, आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं क्या सीन हो रहा है। हाय हाय, अभी खाना खाया है ना, दिल नहीं कर रहा है उठने का, दिल कर रहा है यहीं पर ही लेट जाए। ऐसी ठंडी ठंडी छाँव में हवा लग रही है, धूप पे जो है ना थोड़ी चुभ रही है धूप, इसलिए हमें जगह नहीं मिली। पूरा पार्क का एक राउंड लगा हमने, लेकिन कच्चा कच फैमिलियाँ लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि कोई जगह मिले वहाँ पर बैठे, लेकिन लोगों को जगह ही नहीं मिल रही बैठने की। सीन ये है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ये टेबल भाई साहब उठवा के लेके जा रहे छोटे बच्चों में। क्या हुआ, कमर में दर्द हो गया क्या? भारी था, बहुत बहुत भारी था, फिर भी पहुंच तो गए ना। 70 किलो का होगा। हैं, तुम्हें वेट का भी पता है। अभी मौलाना साहब खुद ही उठा रहे हैं उसको, खींच के ले जा रहे हैं। चलो पहुंच गए, सही है, हेल्प करनी चाहिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आप भी कुछ सीखें, बड़ों की कोई हेल्प करवा लिया करे, वो कोई चीज़ उठा रहे हो नहीं उठा सक रहे तो उनके साथ हेल्प करें। देखो कितना छोटा बच्चा है यार, बड़ा हरामी हो बेटा। अब आप मुझे कहोगे कि तुम क्यों उठ के नहीं गए उठवाने? क्योंकि मैंने खाना खाया, मेरे को और ये सुस्ती नहीं है, इसीलिए भाई यहीं पर थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगा, उसके बाद जाऊंगा बीच पे और बीच पे जो है जाके एंजॉय करेंगे अपनी इवनिंग को। तो बच्चे आप देखें एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ, थक गए? इतनी देर में ही थक गए हैं? बस दो स्लाइड लेने के बाद थक के आके बैठ गया ये इसके काम देखो। बोलो बोलो, क्या कह रहे?
जितनी फेक चलता है फेक भाई मैं आपका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूँ यार, मैंने आपको यहाँ पर बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, आप बड़े यूट्यूबर हो, आप यहाँ दिखते भी नहीं हो, अभी हम समुंदर पे आए हुए थे तो आपको दूर से देख शुभान जमाली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी बोलेंगे भाई बहुत प्यारी वीडियो बनाते 3-2-1 पिल्ले यार इसको गिलादत के बादशाह को क्यों बीच में ले आए यार तुम दांत देखिए ऐसा ऐसा साफ हो रहे हैं पिल्ले के दांत बिल्ली साफ करवा रही है ना अभी, अभी बिल्ली साफ करवा रही है उसके दांत सही हो गया बिल्ली। वो इसीलिए उसके करीब भी नहीं आने देती थी पहले अभी कोई उसको देखते ही उल्टी आ जाए अभी तो फिर मोहब्बत वाली वीडियो बना रही है और वो उसको क्या होता है वो जो शर्ट फाड़ता है और जो है ना ऐसे टेढ़ा हुआ होता है जब देखो मेरे को ऐसे टेढ़ा करके खड़ा होता है फटी हुई वो पीछे से नहीं लपेटी हुई वो पर यूं करता है वो जो घर पे पोछा लगा रहे होते हैं वही शर्ट उठा के ले आता है गजब बेइज्जती है अरे 50 की कहाँ 10-10 रुपए की मिलती है पोचे वाली शर्टें होती हैं वो और क्या घर में पोचे के लिए यूज नहीं होती हाँ हमारे घर में तुमने समंदर में ना ये कपड़े मुझे तो नहीं लगता तुम घर पे पहनोगे ये फेंकोगे और वो पिल्ले वाला ले जाएगा पिल्ले वाला लेगा ना अल्लाह तो ये छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे थे तो इनको मैंने अपने चैनल का बताया तो ये बच्चा ओवर एक्टिंग कर रहा है उसको कह रहा है कि उसको बोलो बोलो ऐसे ही हमने फन में वीडियो बनाई है तो ये बच्चे हैं ये सखर से आए हुए हैं यहाँ पर जो है ना इंजॉय कर रहे हैं पार्क में नया पार्क बना है मनोड़ा आइलैंड पे बेहतरीन माहौल है बच्चे सारे खेल रहे हैं ये भी बच्चे खेल रहे थे मैं साइड पे बैठा तो मैं वीडियो बना रहा था तो इन्होंने देखा पूछा कि व्लॉगर हो तो मैंने कहा हाँ भाई व्लॉगर हैं गरीब व्लॉगर हैं सब्सक्राइब करते नहीं है तो भाई ने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ लोग अब जो है धड़ाधड़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे बोलने से तो चलो इंशाल्लाह करेंगे आपकी बात 100% ओके हो जाएगी थैंक यू